साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड, कुवैत की फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे कि आपका जो अभी स्टार्ट हो रहा है कि भाई कल से 16 मई से 17 मई से जो आपकी कुवैत के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है, 23 या 24 मई तक एंड होगा, उसमें सबसे कम कुवैत और बहरीन का फ़्लाइट दिया गया है। भाई मात्र 3 फ्लाइट हैं 7 दिनों के अंदर, कुवैत से रिलेटेड 3 ही फ्लाइट दी गई हैं। और इनमें भी एक माइनस आपका पॉइंट मैं बता दूं भाई, कुवैत आज इंडियन एम्बेसी ने, आपको पता है कुवैत में इंडियन एम्बेसी ने घोषणा कर दी अपने ट्विटर के माध्यम से कि भाई आज के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए जाते हैं। जो विदेश से रिलेटेड है ना, जो ऑनलाइन आप फ्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, जितने हो चुके हैं वो हैं, आगे नहीं होंगे। उनका आधिकारिक जो घोषणा है मेरे व्हाट्सएप पर है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूतावास ने प्रेस नोट में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं, कुवैत में भारतीय नागरिकों के लिए भारत में प्रत्यावर्तन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को आज से यानी 15 मई से अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, कुछ समय के लिए, जो कि प्रारंभिक पंजीकरण के बाद फिर से शुरू किया जाएगा, यानी दोबारा से शुरू किया जाएगा। हालांकि किसी भी आपातकाल के लिए जैसे मेडिकल इमरजेंसी, गर्भावस्था और मृत्यु से संबंधित अनुरोधों के द्वारा दूतावास को आप ईमेल के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी साथ में स्क्रीनशॉट साथ में रख दूंगा, ताकि आप ईमेल आईडी, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, ये जो 2-3 रीज़न है इनमें अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपका मान्य हो जाएगा, वरना भाई मान्य नहीं होगा। ये न्यूज़ है, आपको बता दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है आज 15 मई से। आगे टिकटों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 3 फ्लाइटें हैं आने वाले 7 दिनों के अंदर, कौन सी फ्लाइट का क्या शेड्यूल है, कहाँ कहाँ ये पहुँचेंगी, इंडिया में एयरपोर्ट कौन सा दिया गया है, कितने फ्लाइटें आएंगी और उसमें कितने कितने यात्री आएंगे, वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लाइट से रिलेटेड। 16 मई से जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फ्लाइट से रिलेटेड, तो जो इमरजेंसी हैं, जिनको बड़े बुजुर्ग, बड़े बीमार या बूढ़े, प्रेग्नेंट महिलाएँ, बच्चे हैं, या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड हैं, या फिर जिनके वीज़ा हो गए, विजिट में घूमने गए थे, उनको पहले रिकवर किया जाएगा। उनके आधार पे मैं बताऊंगा कि भाई फ्लाइट का शेड्यूल क्या रहेगा, कितने यात्री आने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो को देखिए, हो सकता है आपके इसमें नॉलेजेबल, अगर आप इंडिया आना चाह रहे हैं फ्लाइट से रिलेटेड, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो भाई पहले कुवैत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कुवैत में साथियों बता दूं, 19 मई को फ्लाइट स्टार्ट है, कुवैत से निकलेगी जो फ्लाइट केरला कन्नूर के लिए। जी हाँ साथियों, कन्नूर फ्लाइट लैंड करेगी, इसका टाइम रहेगा 14:10, यानी रात को ये फ्लाइट वहाँ से निकलेगी और ये पहुँचेगी 21:10 में इंडिया। 177 यात्री एक साथ में इसमें फ्लाइट करेंगे। नेक्स्ट फ्लाइट साथियों 20 मई की रहेगी, कुवैत केरला से रिलेटेड, ठीक है, ये त्रिवेंद्रम फ्लाइट लैंड करेगी एयरपोर्ट पे, 13:45 में वहाँ से निकलेगी, 21:25 में इंडिया पहुँच जाएगी। 177 यात्री इसमें शामिल होंगे एक साथ में। आगे बात करें साथियों 21 मई को फ्लाइट है आपकी कुवैत से आंध्र प्रदेश के लिए तिरुपति लैंड करेगी, 13:55 में वहाँ से निकलेगी, 21 इंडिया पहुँच जाएगी, यानी 137 यात्री इसमें एक साथ में फ़्लाइट करेंगे। तो साथियों कुवैत से रिलेटेड ये 3 फ्लाइट थी मैंने आपको बता दिया। बहरीन से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। बहरीन के लिए भाई 19 मई को फ्लाइट स्टार्ट है, मनामा से फ़्लाइट निकलेगी बहरीन से, तेलंगाना है स्टेट, वहाँ पे हैदराबाद ये फ़्लाइट पहुँचेगी, 13:30 वहाँ से निकलने वाले का टाइम है और 20:25 में इंडिया पहुंच जाएगी। 177 यात्री इसमें एक साथ में लैंड करेंगे इंडिया। नेक्स्ट फ्लाइट साथियों 19 मई के बाद में 22 मई को फ्लाइट का शेड्यूल रखा गया है, जो बहरीन मनामा से निकलेगी केरला के लिए त्रिवेंद्रम जो हवाई अड्डा है वहां पे लैंड करेगी, 13:35 में वहां से निकलेगी और 20:00 यानी पूरे 20 फ्लाइट पहुंच जाएगी। 177 यात्री इसमें एक साथ में लैंड करेंगे। तो समझ गए होंगे साथियों कुवैत की 3 फ्लाइट हैं, बहरीन की 2 फ्लाइट हैं, मैंने आपको टाइम टेबल शेड्यूल सब बता दिया है। और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे मैं नई अपडेट वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।